Hey, what's up guys? मेरा नाम है विनीत राघव और आप देख रहे हैं राघवशुक टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड गाइज यार, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम की रील का ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। जैसे कि आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, जो कि आपको मैंने दिखाया एड, मैंने बीच बीच में से ऑडियो कट कर दिया था ड्यू टू कॉपीराइट इशूज, क्योंकि वो जो क्लिप है वो बनती एक अलग गाने पर, बट हमें बाद में वो जो गाना है वो ऐड करना पड़ता है। खैर ये सब बातें छोड़िए, जो कि मैं आपको वीडियो में ऑलरेडी बताने वाला हूँ उसको अभी से बता के कोई फ़ायदा नहीं है। एंड आज इस वीडियो में इधर मैं आपको इसी ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील का पूरा ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। एंड गाइज, इसके लिए हमें दो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पहली है आपकी एक अच्छा खासा VPN, चाहे आप कोई भी VPN यूज़ कर सकते हैं, नॉर्ड VPN हो गया, टर्बो VPN होगा। एंड पर्सनली मैं जो है टर्बो VPN यूज़ करता हूँ, तो आप टर्बो VPN को यूज़ करिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर रहता है। एंड दूसरी है आपकी कैपकट एप्लीकेशन। गाइस इन दोनों का लिंक जो होगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइस एंड्रॉइड के लिए भी मैं वहाँ पर लिंक डाल दूंगा और साथ ही साथ आईफोन के लिए भी वहाँ पर लिंक डाल दूंगा। दोनों OS के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग OS के लिए। अब इस वीडियो के अंदर बात करते हैं कि आपको सबसे पहले करना क्या है गाइस। लेकिन वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इसी तरीके की इंस्टाग्राम रील्स बनाने के शौकीन हैं एंड साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि आपको नए नए ट्रेंड्स पता चलते रहे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैंने अभी प्रीवियसली काफ़ी सारी वीडियोज़ क्रिएट करी हैं, छापी मैंने नई नई तरह की इंस्टाग्राम टैबलेट्स के बारे में आपको बताया कि ये वाली इंस्टाग्राम रील्स कैसे बनती है, कि ये वाला नया ट्रेंड आप कैसे बना सकते हैं, फिर कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो वैसे अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि आपको मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने तीन एप्लीकेशन को अपने फ़ोन की स्क्रीन पे बिल्कुल फ्रंट पे लगा रखा है, जिसमें कि पहली जो हमारी एप्लीकेशन है वो है क्रोम, जहाँ पे कि अपनी हम साइट को एक्सेस करेंगे। एंड दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास कैपकट एप्लीकेशन, एंड जो तीसरी एप्लीकेशन है वो है हमारे पास टर्बो VPN की एप्लीकेशन। अब गाइज आप लोग कहेंगे कि टर्बो VPN ही क्यों? गाइज मैं टर्बो VPN आपको इसलिए रिकमेंड करना चाहता हूँ क्योंकि अब तक मैंने जितना भी इसको यूज़ करा है मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेटर रहा है। एंड मैंने एक ही चीज़ नोटिस करी है कि ये वाली एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट, सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है एज एन VPN, क्योंकि VPN मैंने देखा आपका डेटा कहीं और ट्रांसफर होता है देन फिर आपके पास आता है, तो उस मामले में ये जो VPN है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है। एंड यहाँ पे आपको सिंपली ये जो दोनों एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएंगी। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो कैपकट का मोड APK होगा वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा। तो आप सिंपली तीनों को अपने फ़ोन के अंदर फ्रंट पे लगा लीजिए, क्योंकि मैंने लगा रखा है तो उससे एक चीज़ रहती है कि आपको क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है वो आपके माइंड में रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ भी करने से पहले आपको अपने VPN को कनेक्ट कर लेना है। मैं एक बार VPN को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। देन उसके बाद आप जैसे अपने VPN को ओपन करेंगे तो टर्बो VPN यहाँ पे आपके लिए सामने दिखाएगा टैप टू कनेक्ट। टैप टू कनेक्ट पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। एंड टैप करने के बाद आपका जो रैबिट होगा वो भागना स्टार्ट कर देगा एंड देन ये कनेक्ट हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर, मुश्किल से 2 सेकंड का टाइम लेता ही। तो अब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट से कनेक्ट हो चुका है। अब यूनाइटेड स्टेट से कनेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली अपने क्रोम को ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है ANH आईफोन कैमरा कैपकट टैम्पलेट, ANH आईफोन कैपकट टैम्पलेट। आपको यहाँ पे सिंपली इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे जो लिंक नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ये जो ANH कैमरा आईफोन कैपकट टैम्पलेट, एंड अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वीडियो भी आ गई है प्रीव्यू के अंदर। एंड उसके नीचे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा यूज टैम्पलेट ऑन कैपकट, जो कि आपके रेड कलर में मेंशन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंपली इसको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद एक छोटी सी यहाँ पे आपको ऐड नज़र आएगी। देन उसके बाद ये आपके क्रोम में दोबारा से ओपन करने के लिए बोलेगा, लेकिन अभी आपको रिडायरेक्ट कर देगा कैपकट के ऊपर। तो यहाँ पे गाइस इसने जो मेरा कैपकट है वो ओपन कर दिया है। मैं एक बार अपने साउंड को थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी आपके सामने जो कैपकट एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो चुकी है। वो क्यों हुई है? क्योंकि हमने यहाँ पे VPN ऑटोमेटिकली पहले से ही कनेक्ट कर रखा है। तो अगर आप VPN कनेक्ट नहीं करेंगे, अगर आप VPN स्टार्टिंग में कनेक्ट नहीं करेंगे, तो गाइज आपका क्रोम रिडायरेक्ट नहीं करेगा आपके कैपकट के ऊपर। तो आपको ये मस्ट है कि आपको सबसे पहले अपना VPN कनेक्ट करना है, देन उसके बाद कुछ भी चीज़ परफॉर्म करनी है। उसके बाद आपका आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा यूज़ टैम्पलेट। तो यूज़ टैम्पलेट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइस फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चलता हूँ अडोब लाइट रूम में मैं चला गया। यहाँ पे फोटो सेशन चलते हैं। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी कोई सी भी एक फ़ोटो को चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये वाली फ़ोटो चूज़ कर ली है अपनी। एंड यहाँ पे अब आपको जैसे प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी कैपकट की टैबलेट है वो यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है।
एंड अब आप देख सकते हैं इसने मेरी फोटो को लगा दिया है कैपकट के अंदर, जो कि मेरी आईफोन वाली ट्रांजिशन उसके अंदर। एंड अब आपको यहाँ पे सिंपली इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क पे क्लिक कर देना है। सो गाइज, यहाँ पे जो आपका पहला स्टेप है वीडियो का वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, जिसमें कि वो गाने वाली रील वहाँ पे मैंने डाल रखी है अपनी, तो आपको सिंपली उसको डाउनलोड कर लेना है। एंड डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली सारी चीज़ों को यहाँ से बंद कर देना है। एंड बंद करने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा से कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। एंड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे उसी रील को ऐड कर लेना है। अब उस रील को ऐड करने के बाद आपके सामने यहाँ पे जो आपकी रील थी जो आपने अभी बनाई है करंटली, वो यहाँ पे खुल जाएगी। आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन को डिलीट कर देना है। अब एंड स्क्रीन को डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे इस वीडियो पे क्लिक करना है। देन उसके बाद नीचे यहाँ पे वॉल्यूम जो है इसका वो बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। और अब यहाँ पे आपको ऐड ऑडियो पे क्लिक करना है। ऐड ऑडियो पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। एंड एक्सट्रैक्ट आपको कौन सी फाइल करनी है, आपको यहाँ पे ये वाली जो फाइल जो मैंने आपको नीचे लगा रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपको वो वहाँ पे इंपोर्ट कर लेनी है। इंपोर्ट करने के बाद आपकी गाइस जो वीडियो होगी वो ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुकी है। बट इसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि यहाँ पे आपका रेशियो का ऑप्शन आएगा कहीं पे, आपको वीडियो पर टैप करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे रेशियो देखना है, रेशियो कहाँ पे, रेशियो जिससे कि हम वीडियो की जो लेंथ है वो चूज़ कर सकें। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक बार, सो गाइज ये हमारे पास रेशियो का ऑप्शन आ चुका है। तो रेशियो में आपको यहाँ पे 9:16 जो कि हमारा पोर्ट्रेट मोड होता है, आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद अपनी वीडियो पे टैप करके यहाँ पे सिंपली इसको यहाँ से पूरा का पूरा जूम इन कर ले रहे हैं। जूम इन आपको सिर्फ इतना करना है। देन उसके बाद आपकी जो वीडियो है वो आपके सामने यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे के अंदर मैंने आपको समझा दिया है कि ये वाली जो इंस्टाग्राम की जो बिल्कुल ही ट्रेंडिंग रील है, आप यहाँ पे इस पर अपनी कोई सी भी पिक लगा के इस तरीके की जो आईफोन वाली ट्रांजिशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इसको देखने के लिए, तो आप इस तरीके की रील बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन सिंपली आपको यहाँ पे ऊपर एक्सपोर्ट वाली सेटिंग्स पर क्लिक करना है एंड सारी सेटिंग्स को यहाँ पे आपको फुल कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है एंड अब आपकी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट वाला स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइज अब यहाँ पे आप एक बार सैंपल देख लीजिएगा कि सैंपल किस तरीके से लगता है एंड बहुत ही सिंपल है बनाना इसको बिल्कुल ही, मैं आप एक बार प्ले करके दिखाया दूँ। सो गाइज इस तरीके से आप देख सकते हैं जो हमारी वीडियो है वो बन के तैयार हो चुकी है। सो गाइज बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरीके से ये वाली वीडियो को परफॉर्म कर सकते हैं एंड बना सकते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो गाइज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आगे फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। एंड मैं गाइज ऐसी इंस्टाग्राम से रिलेटेड ऐसे ट्यूटोरियल्स, ऐसे इंस्टाग्राम से रिलेटेड न्यूज़ और बहुत ही ज़्यादा टेक न्यूज़, जो आपकी कह सकते हैं आप कोई भी टेक ट्रिक है या फिर कोई भी आपकी ऐसी चीज़ है जो कि आपको नहीं करनी आती तो उसको समझाना, कोई भी एडिटिंग से रिलेटेड चीज़ मैं इस चैनल पर दिखाता रहता हूँ। तो गाइज उन सब चीज़ों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड गाइज इतना सारा एफर्ट लगता है तो एक वीडियो बनाने में आप एक लाइक तो बनता है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आपको मेरे चैनल से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।